शनि जयंती के दिन ही 30 मई 2022 को सोमवती अमावस्या भी है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। पंचांग के अनुसार अमावस्या उस दिन को कहा जाता है जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और रात में अंधेरा छाया रहता है। सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को बेहद ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन की पूजा का फल सूर्य ग्रहण के लिए गंगा स्नान और दान के बराबर होता है। सोमवती अमावस्या के दिन विशेष तौर पर विवाहित महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा और उसकी फेरी करनी चाहिए। ऐसा करने से उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। जिन लोगों के जीवन में कई कोशिशों के बावजूद विवाह योग नहीं बन पा रहा, शादी की बात बनते बनते अटक जाती है या फिर विवाह में बेवजह की देरी हो रही हो, तो उन्हें भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में शीघ्र ही विवाह योग्य बनने लगता है। अमावस्या की तिथि पितरों की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करने से देवी देवता बेहद शीघ्र और आसान तरीके से प्रसन्न होते हैं और साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि से भी व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या किसी कुंड में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है तो घर के पानी में ही कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर उसे स्नान कर लें। इसके बाद घर के मंदिर में विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार जरूरतमंदों, गरीबों और ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।